कि यहाँ के एंटरप्रेनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आने चाहिए। राठी जी ने अच्छा रिपोर्ट किया और सब सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैं कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो लटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते कि मैं ऐसी हालत में हूँ, एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें। और प्रूवन टेक्नोलॉजी इकोनॉमी मिहान के साथ अब स्मार्ट सिटी के रूप में मिहान के आजू बाजू में डेवलपमेंट भी हो रही है। एक बात महत्वपूर्ण है कि हेल्थ सर्विसेज में, एजुकेशन में काफी बड़े प्रमाण पर इस 25-30 साल में हमने काम किया है। अभी इन्होंने जितनी समस्याएं बताई वो छोटी मोटी समस्या है। समस्या जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि विदर्भ में कोई 500,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमी है। और इसके कारण हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते। हम लगातार कोशिश करें कि कोई ना कोई मिले, पर वह हमारे यहाँ भी हाथ में लग नहीं रहे। परसों मेरे घर पर सज्जन जिंदल आए थे, आजकल उन्होंने वो MG हेक्टर कंपनी को टेक ओवर किया, तो मुझे बता रहे थे कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी आप देखो एक बार हमने तैयार किया है। तो आज उन्होंने मेरे घर पर वो लांगिया जी लेके आए थे, तो मैंने उनको कहा कि सब गाड़ी वगैरह देखता हूँ और पहले कुछ नागपुर में शुरू करिए। इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, ये फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण आयाम है, पर अभी तक हमें ऐसा बड़ा यूनिट मिला नहीं है। बूटी बोरी भी MIDC एरिया में तो लगभग अभी काफ़ी यूनिट शुरू है, काफ़ी बंद है। और जो जमीन लेता है वो बेचता भी नहीं और नया यूनिट आता भी नहीं। और मैंने